नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मेरे पास से दो कमेंट्स आ जाए और उन्होंने लिखा कि योनि संकोचन के कोई दवा बताइए। योनि संकोचन के लिए बाजार के अंदर जितनी क्रीम आती है अथवा जितने तेल आते हैं इतने कॉस्टली होती है। एक क्रीम आती है तो वो करीब 1,000 रुपये की इतनी सीख होती है, जबकि वो उसकी लागत महज 15 या 20 रुपये होगी। तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। मैं योनि संकोचन और उसके साथ गिफ्ट के अंदर अस्तन, बहन बेटियों के अस्तन जिनके लटक जाते हैं कम उम्र के अंदर, कई बहन बेटियों की शादी नहीं होती है उसके पहले ही अस्तन नीचे लटक जाते हैं, उनके लिए भी और जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी। ये जो तेल मैं आपको बताऊंगा योनि संकोचन का, ये दोनों ही काम करेंगे, आम का आम और गुठली के दाम। तो मैं पहले आपको ये स्लाइड सामने करता हूँ। स्लाइड सामने करने के पहले मैं एक छोटी सी आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो मेरे को सुनते हैं उनमें कई वैद्य भी हैं, कई हकीम भी हैं और कई ऐसे हैं जो अपने घर से ही अपनी दुकानदारी चलाते हैं। कोई घुटने का तेल बेचते हैं तो कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, दुनिया में सब कुछ होता है, उसके लिए मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। मैं खाली एक प्रार्थना के रूप में कर सकता हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको कोई ऊंची कीमत के अंदर ना बेचें, इसमें 2 रुपया कमाने का ना सोचें। और ये घरेलू नुस्खा फ्री का है और किसी दूसरे अपने दोस्त को या अपनी बहन बेटी को देना है तो फ्री के अंदर ही दें। तो सबसे पहले स्लाइड सामने करता हूँ, इसको आप पढ़िए। हाँ, इसके अंदर मैंने लिखा है योनि संकोचन 100% गारंटी, 100%। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अहम की भाषा न समझे मेरे दोस्तों, गलत मत समझना मेरे को। मैं इसको 40 साल से काम में ले रहा हूँ और ये आज तक फेल नहीं गया। हाँ, और दूसरा इसका जो काम है, ये तो योनि संकोचन यानी कि जिन बहन बेटियों की योनि ढीली हो जाती है तो इसको मसाज करने से वो टाइट और सख्त हो जाएगी 1 हफ्ते में। और इसका प्रयोग 1 महीना, 1.25 महीना, 21 दिन आराम से करें, न हाथ धोने की जरूरत और न योनि को धोने की जरूरत और न कोई साइड इफेक्ट, न कोई बेड इफेक्ट। और अब मैं बताता हूँ इसका जो दूसरा काम कि अपने जिन बहन बेटियों के अस्तन छोटे हो गए या लटक गए अथवा चलते वक्त यूं डामाडोल होने लग गए, तो वो अगर इसी तेल की मसाज 5 या 10 मिनट, 1 बार ऊपर और 1 बार नीचे, खूब आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट रात को 1 टाइम वो इसकी मसाज करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जी चाहे पूरी उम्र भर करें, कोई दिक्कत नहीं, तो अस्तन गोल और सुदृढ़ यानी कि टाइट होंगे। योनि संकोचन और अस्तन को गोल और सख्त करने के लिए एक ही तेल, यानी कि एक ही तेल से दोनों काम होंगे। अब जिनको जो प्रॉब्लम है वो उसको उस तरह से काम में लें, और जो इसके कंटेंट्स हैं वो आप नोट करें, खूब आराम से नोट करें, कोई जल्दबाजी नहीं। ये घरेलू प्रयोग कोई कमजोर नहीं किसी भी बाजार की कीमती से कीमती दवा से। मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ, इसमें बाजार से सिर्फ आपको एक ही चीज़ लानी है, माजू फल 3 पीस ले आवे। माजू फल इतने इतने फल होते हैं, उनके मुख्य पहचान है उनमें छिद्र होते हैं, तो 3 माजू फल आप ले आवे। और सूखे हुए अनार के छिलके, घर में अनार खाते हैं, छिलकों को सुखा दीजिए, तो अनार के सूखे हुए छिलके 50 ग्राम और अनार के फूल 25 ग्राम। एक बात और बता देता हूँ,
अनार के फूल हर जगह हर घर के अंदर अनार के पौधे मिलेंगे और 12 ही महीने इसके फूल आते हैं, तो ताजा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो पंसारी से ले आवे। और तिल का तेल 200 ग्राम, मैं एक बार और बोल देता हूँ, माजू फल 3 नग 3 पीस, अनार के छिलके 50 ग्राम, अनार के फूल 25 ग्राम और शुद्ध तिल्ली का तेल यानी कि तिल का तेल 200 ग्राम। अब इसको बनाने की विधि मैं आपको बताता हूँ। एक हमाम दस्ते के अंदर आप अनार के सूखे हुए छिलके और माजू फल इसको कूट लेवें और जो कूट करें, जो कूट का मतलब जो होती है ना गेहूं के बराबर की जो, इतने इतने करे, पाउडर नहीं बनाना, जो के बराबर इसका चूरा कर लेवें। और 200 ग्राम तिल का तेल आप लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल दें, 200 ग्राम डाल दें 250 ग्राम डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके अंदर ये जो चूरा है आप डाल दें, माजू फल अनार का छिलका और अनार के फूल ये उस तेल के अंदर डाल दें, और मंद आंच से, अगर आपने आंच को तेज कर दिया गैस की आंच को तो ये तेल काम कम करेगा, काम तो करेगा कम करेगा, मंद आंच से आप गरम करते रहें। जब आपको लगे जो आपने चीजें डाली है उनका रंग ब्लैक यानी कि काला जैसा हो जाए तो उस कढ़ाई को उतार के ठंडी होने दें। ठंडी होने के बाद इन चीजों को जो ये हो गया है इनको बाहर फेंक दें और उस तेल को एक बहुत बारीक सूती वस्त्र से आप छान लेवें और शीशी के अंदर भर लेवें। आपके लिए ये एक तेल तैयार है जो अस्तन को गोलमटोल करेगा और योनि का संकोचन करेगा। अब मैंने आपको अस्तन पे लगाने की विधि मसाज की बता दी, अब इसको योनि के अंदर बहन बेटियां कैसे लगाए इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या बताता हूँ, बहन बेटियों को बताता हूँ, वो खुद ही बनाए और खुद ही काम वगैरह अपना, हाँ दूसरे को क्यों तकलीफ दे, वो अपने आप ही घर पे बना लेंगी। तो इसको या तो जो जालीदार जो बैंडेज की पत्ती आती है सूती कपड़े की, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो सफ़ेद जाली से जैसी एक पट्टी आती है, या तो उस पट्टी को ले आवें, उस पट्टी को ला करके और थोड़ा सा तेल के अंदर उसको यूं करके और रात को सोते वक्त अपनी योनि के चारों ओर खूब आहिस्ता आहिस्ता, देखिए नाखून कटे हुए होने चाहिए, खूब आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगावें और उस कपड़े को फेंक देवें और हाथ धोने की भी कोई जरूरत नहीं है, आराम से सो जावें। और सुबह नहाने के बाद जब भी हिसाब बैठे तो इसी तरह और लगा लें, अगर 2 टाइम लगाएं तो और ही ज़्यादा लाभ है, नहीं तो 1 टाइम लगावें। तो अगर ये भी आप नहीं कर सकते बहन बेटी नहीं कर सकते तो अपने हाथों को धो करके और जो रबड़ का जो मोजा होता है वो हाथ में पहन के और तेल को अपनी योनि से अंगुली से आराम से लगा सकती है, उसमें कपड़े की भी जरूरत नहीं, लेकिन रबड़ का वो मोजा होना चाहिए। तो ये प्रयोग बहन बेटियाँ 1 महीना 2 महीना आराम से जी चाहे जब तक करें और घर पे बनावें और अपनी सहेलियों को वितरित करें, इसके रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आएंगे और जो रिजल्ट आएंगे बेहतरीन आएंगे। आप इसका प्रयोग कीजिए और फिर मेरे को बताइए। मैंने आज आपको कोड़ियों का नुस्खा बताया है और अब तक मैंने जितने नुस्खे बताए हैं उन सब के अंदर ये सबसे सस्ता, देखो अनार के छिलके आपको फ्री में मिल जाएंगे, अनार के फूल आपको फ्री में मिल जाएंगे और 200 ग्राम जो तिल का तेल महज 20-25 रुपए का आएगा, तो 25 रुपए का तो ये और 5-6 रुपए के माजू फल, आपका 30 या 32 रुपए ही खर्च होगा, इसके ज़्यादा नहीं। तो उसके अंदर आपको 200 ग्राम तेल मिलेगा, 200 ग्राम तेल की आप दोनों जगह अगर मसाज करेंगे
तो आप यूं मान के चलो कि 2.5 महीना 3 महीना चलेगा। इससे सस्ता दुनिया में कोई नुस्खा हो नहीं सकता। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।